नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम के निर्देशक के हटाव के निर्देशन देने संबंधी प्रसंग से। मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मातहत रहल प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम के निर्देशक डॉक्टर प्रमोद कुमार यादव के पद मुक्त कर सामाजिक विकास मंत्री के निर्देशन देने खोजल। मुख्यमंत्री यादव प्रतिष्ठान के सह कुलपति समेत रहल सामाजिक विकास मंत्री सुरीता कुमारी शाह के डॉक्टर यादव के अस्पताल के निर्देशक पद से हटाव मौखिक निर्देशन देने बताल जा रहा है। मुख्यमंत्री यादव सोम दिन अस्पताल के क्षण के अनुगमन केला पर निर्देशक सहित अधिकांश चिकित्सक सब अनुपस्थित रहल पाओल गेला के बाद मंगल दिन अपना एहन निर्देशन देने सामाजिक विकास मंत्री शाह बतौलिए। मुख्यमंत्री यादव प्रादेशिक अस्पताल के लैब प्रमुख परमेश्वर यादव के समेत गलत रिपोर्ट बनाबे वाला कर्मचारी के कार्यवाही कर निर्देशन देने वो जानकारी दिलन। प्रादेशिक अस्पताल के लैब से एकटा व्यक्ति के ब्लड ग्रुप के फरक फरक रिपोर्ट सब देल गेल समाचार प्रकाशित भेला के बाद मुख्यमंत्री यादव अस्पताल के क्षण के अनुगमन केने बताओल गेल। मुख्यमंत्री यादव उपराष्ट्रपति निर्वाचन के कारण आचार संहिता लागू भ चुकल अवस्था में निर्वाचन के तुरंत पश्चात अस्पताल के निर्देशक डॉक्टर यादव के परिवर्तन कर मंत्री शाह के निर्देशन देने बताओल जा रहा है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी उपराष्ट्रपति निर्वाचन के निर्वाचन में सत्ता गठबंधन के उम्मीदवार राम सहाय प्रसाद यादव के मत नहीं देबाक निर्णय कलक। राष्ट्रपति में गठबंधन के उम्मीदवार रामचंद्र पौडेल के मत देने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी उपराष्ट्रपति में यादव के मत नहीं देत। राष्ट्रपा के गोटे नेता कहलन हम सब उपराष्ट्रपति में पुरुष उम्मीदवार के मत नहीं देव। राष्ट्रपति पुरुष भ चुकल अवस्था के बाद उपराष्ट्रपति महिला हो परत से अपन सबके पार्टी के मान्यता है। राष्ट्रपा उपराष्ट्रपति के महिला उम्मीदवार एमाले के अष्टलक्ष्मी शाक्य आ जनमत पार्टी के ममता झा मध्य केकरा मत देवाक नहीं खुजौनी है। यद्यपि एमाले उम्मीदवार शाक्य के वोट देव सकबाक संभावना बेसी रहल राष्ट्रपा के गोटे नेता बतौलन। जसपा के उम्मीदवार यादव के कांग्रेस माओवादी एकीकृत के समेत समर्थन है। गठबंधन संबद्ध लोसपा आ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जनमत के उम्मीदवार झा के समर्थन के ने अवस्था है। भूमिहीन सुकुम्बासी लोकन राष्ट्रीय भूमि आयोग जिला समिति धनुषा में तालाबंदी कलक। चूरे तथा वन जंगल जन आवाज अभियान के धनुषा जिला संयोजक जुगति यादव के नेतृत्व में पहुंचल टोली जनकपुर धाम स्थित राष्ट्रीय भूमि आयोग के कार्यालय में तालाबंदी कने छल। भूमिहीन के जग्गा ऐलानी जग्गा में बस रह वाला के लाल पुर्जा उपलब्ध कराबक लेल राष्ट्रीय भूमि आयोग के गठन भेल रहितो आयोग वही दिस कोनो जिज्ञासा नहीं देला से अपना सब बाध्य भक तालाबंदी के ने अभियान के संयोजक यादव जानकारी दिलन। वो अपना सब फागुन 11 अगस्त से जनकपुर धाम स्थित जनक चौक में धरना में बैसल रहितो आयोग एखन धरि कोनो जिज्ञासा नहीं देखने उपराग व्यक्त कने छलन। वो कहलन भूमिहीन सुकुम्बासी सब अपन अधिकार के लेल 19 दिन से लक निरंतर 24 घंटा के धरना में बैसल है। अतेक दिन बीत चुकला पर समेत केकरो कोनो चाँख नहीं है। राष्ट्रीय भूमि आयोग मस्त नींद में सुत रहल हुनका सबके उपराग छलन। तहिना हम सब बाध्य भक संबंधित निकाय के झकझकाबक लेल तालाबंदी कयने छी। अभियान के जिला संयोजक यादव नेतृत्व में तालाबंदी कर पहुँचल टोली में भूमिहीन सुकुम्बासी सब शांति देवी नंदन देव ठाकुर रामनारायण महरा आशा यादव फुलगेन पासमा लगायत दर्जनों के संख्या में सहभागिता छलन। एम्हर आयोग धनुषाक प्रवक्ता राम गोविंद यादव स्थानीय तह सब संगे समझौता भक लगत संकलन के लेल तैयारी भ चुकल बतबैत स्थानीय तह के जिम्मेवारी में समस्या समाधान होबाक भेला से किछ समय लागत बतौलन। कोही पनि भन्न पाओस् कि हामी सुकुम्बासी छौँ भने यो उद्देश्यले यो गठन भएको छ। पहिले अर्कै नाउँले थियो, अहिले आयोग बनेछ। यो आयोगको 3 सालको कार्य काम दिएछ हामीहरूलाई। 3 सालमा केही छुट्यो, केही बाँकी रह्यो, केही पूर्जा बनाउन बाँकी छ, जग्गा नाप्नु बाँकी छ भने त्यसको लागि फेरि क्याबिनेटले 2 सालमा थपेर हामीले टाइम दिन्छ र 3 सालमा सरकारको मतलब यो काम गर्ने उद्देश्य हो। त्यसमा हाम्रो यो जिल्लामा अहिले यो सिलसिलामा अहिले मिथिला नगरपालिका मा तपाईँको करिब 500 बिघा जग्गा नापी भइसकेको छ अहिले। त्यसपछि तपाईँको चारनाथले तपाईँको पोइन्ट उहाँले जिला के पालिका सब वास्तविक तथ्यांक द चुकला के बाद मात्रे भूमि व्यवस्थापन लाल पुर्जा वितरण के काम सब अगाड़ी बढ़वाक हुनक कहब छलन। धनुषा के लक्ष्मीनिया गांव पालिका में नेकपा एमाले से निर्वाचित जनप्रतिनिधि सब मंगल दिन से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कलक। स्वयं सब कार्यालय में लगवौने ताला फेर कर कार्यालय के सामग्री सब हिना मिना कैल गया आरोप लगवे तो सब मंगल दिन से अनिश्चितकालीन धरना में बैस गया। वो सब तालाबंदी के 2 दिन पश्चात गाँवपालिका अध्यक्ष भोगेन्द्र मिश्र संपूर्ण जनप्रतिनिधि के बजाकर समस्या समाधान के लिए पहल करबाक प्रतिबद्धता जनौने रहितो एखन धरि कोनो समन्वय नहीं कला सब बाध्य भक गाँवपालिका के कार्यालय अगाड़ी मंगल दिन से धरना देव शुरू कने वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष दिलीप यादव दावी कलन।
लगभग लगभग आई 17-18 दिन बीत चुकले। अई बीच में प्रशासकीय अधिकृत चुप्पे चापे आबि कऽ एगो चोरी तरीका से ताला तोड़ कऽ कुछ कागजात सब गाँव पालिका के कुछ डॉक्यूमेंट सब एक बाद और की सामान सब से लइ कऽ चल गेले। अखन तक कोनो भी हिसाब से हमरा सब के बीच में कोनो संपर्क नहीं कऽ कऽ अभी तक सब ओने गाँव पालिका के लथालिंग छोड़ कऽ सब सहमति के वातावरण नहीं बना कऽ सुन अपने भागल घूरे है कतऽ कतऽ। तै के चलते हम सब एक सब पर और प्रेशर बने तै के लागि हम सब आई से आप धरना में बैस गेल छी और आकर सहमति के वातावरण बनबे और लक्ष्मीनिया गाँव पालिका के कामकाज शुरू करबे, जनता के दुख नहीं देबे। गत फागुन 14 गते प्रमुख प्रशासक के अधिकृत लेखापाल लेखा शाखा के कर्मचारी के कार्यकक्ष में वार्ड अध्यक्ष सब लगने ताला तोड़ कर कार्यालय के महत्वपूर्ण सामान सब हिनामिना कल गए। वार्ड अध्यक्ष सब के आरोप है वार्ड अध्यक्ष यादव प्रमुख प्रशासक के अधिकृत नागेंद्र यादव ताला तोड़ कर सामान सब हिनामिना के आरोप लगौलन। उस शुरुआत भ चुकल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादव बिना कोनो जनप्रतिनिधि के रोहबर में ताला तोड़ कर कार्यालय के सामान सब हिनामिना के आरोप लगौलक। तालाबंदी के 15 दिन बीतल रहितो सहमति में नहीं आबिक गत रवि दिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादव स्थानीय प्रशासन के रोहबर में अपना सबके कोनो जानकारी नहीं दक उल्टे ताला तोड़ कर ओहन काज के आरोप हुनका सबके है। नेकपा एमाले से निर्वाचित वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष दिलीप यादव, वार्ड नंबर 2 के वार्ड अध्यक्ष लालजी शाह, 5 के वार्ड अध्यक्ष दुखरन यादव, 6 के वार्ड अध्यक्ष महावीर शाह, 7 के वार्ड अध्यक्ष गंगा शाह लगायत 6 गोटे कार्यपालिका सदस्य आ 8 गोटे वार्ड सदस्य सब सहित 19 गोटे मंगल दिन से धरना में बैस गेल। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड विदेशी लगानीकर्ताक समस्या समाधान के लिए एकल बिंदु सेवा सुचारू करबाक प्रतिबद्धता जनौले छथि। मंगल दिन नेपाल उद्योग परिसंघ आ चाइना काउंसिल फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड CCPIT के संयुक्त आयोजना में भेल नेपाल चाइना बिजनेस फोरम 2023 के संबोधन करैत प्रधानमंत्री दहाल विदेशी लगानीकर्ता सभक समस्या समाधान के लिए सरकार एकल बिंदु सेवा शुरू करबाक विषय में कानून बनाकर संसद से पारित करबाक क्रम में रहल धारणा रखलेने छथि। प्रधानमंत्री दहाल सरकार विदेशी लगानीकर्ता के जल्दी सभे प्रकार के सेवा एक ठाम से प्राप्त करबाक वातावरण मिलेबाक घोषणा कलन। ओ पूर्वाधार विकास के लिए नेपाल के बड़का लगानी आ नया नया प्रविधि के आवश्यकता रहल धारणा रखने छलन। ओ चीन सरकार नया प्रविधि आ बड़का लगानी अनबाक आय में सहयोग करबाक बतौलन। Tax slabs are one of the lowest and our position is fairly good in प्रधानमंत्री दहाल नेपाल एक चीन नीति में स्पष्ट रहला से नेपाल भूमि पड़ोसी के विरुद्ध प्रयोग होबर नहीं देबा प्रतिबद्ध रहल व्यक्त केने छले। कार्यक्रम में CCPIT के उपाध्यक्ष चांग साओहांग 67 वर्षक नेपाल आ चीन के संबंध विस्तार होइत एला से अगिलका दिन में सेहो दू देश बीच के संबंध के आरो मजबूत बनेबाक में जोर देने छले। By mountains and the rivers, good friends helping each other, and a good partner sharing common. कार्यक्रम में नेपाल के लिए चीन के राजदूत चेन सांग अल्प विकसित राष्ट्र सा विकास उन्मुख राष्ट्र में स्तरोन्नति भ रहल नेपाल के पूर्वाधार विकास में सहयोग करबाक प्रतिबद्धता जाहिर केने छलन। राजदूत सांग नेपाली सबके चीन भ्रमण कर आग्रह केने छलन। कार्यक्रम में नेपाल उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष विष्णु प्रसाद अग्रवाल चीन सरकार नेपाली सीमाना का सब खोल कर व्यापार के लिए सहज वातावरण सृजना कैल जेबाक चाही में जोर देने छला। नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सत्तारूढ़ नेकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के धमकी देबाक काज कर रहल आरोप लगौलने। माओवादी केन्द्रक नाम नहीं लक अध्यक्ष ओली मानवाधिकार आयोग के घेराबंदी करबाक डरेबाक धमकेबाक काज भ रहल कहित चेतावनी दलन। मंगल 3 से काठमांडू में शुरू भेल मानवाधिकार रक्षक तथा सामाजिक अभियंता सभक तेसर राष्ट्रीय सम्मेलन में ओ मानवाधिकार के रक्षा के लिए लड़ पार्टी निकट मानवाधिकार अलायंस के निर्देशन समेत दलन। अध्यक्ष ओली मानवाधिकार के पक्ष में उठ सकबाक आ रक्षा कर सकबाक काज में ईमानदार आ समर्पित भक लाग से हो ओ अलायंस के सचेत करौने छलन। हाम्रा खुकुरीमा खिया लागेको छैन भन्छ, हाम्रो बन्दुकमा खिया लागेको छैन भन्छ, हाम्रो बन्दुकको कारतुस ओसिएको छैन चल्छ अहिले पनि भन्छ, हाम्रा हात
टिकट थिच्न नसक्ने भएका छैनन् भन्न सक्छ, हाम्रा पाखुरा लाठी चलाउन नसक्ने भएका छैनन् खुट्टा याद राख्नु भन्न सक्छ, यो हुँदैन भन्न सक्छ। त्यस कारण हाम्रो एलायन्स, हाम्रो एलायन्स आफैमा मानव अधिकारप्रति समर्पित, इमान्दार, समर्पित र बोल्ड शासन, मानव अधिकारका निम्ति उभिन सक्ने, बोल्न सक्ने, त्यसको रक्षाका निम्ति लड्न सक्ने त्यो हुनुपर्छ। एक्लै भयो भने, थोरै भयो भने फाँसी दिन्छ। 97 सालमा किन फाँसी दिएको भन्दा, थोरै भयो, चारजना हिँड्ने गोली ठोक्यो। 7 सालमा किन राणाले छोड्नु पर्यो भन्दा, ती चारजना नभएर त्यहाँ त हजारौँ मान्छे उठे। जब हजारौँ उठ्छ, फाँसी दिने कुरा छोडेर आफै बाटा लाग्दो रहेछ। अध्यक्ष ओली नेपाली सब कहियो मृत्युदण्डके पक्षमा जाए नै हेबाक बताउने छलैन। मृत्युदण्ड देला बाद अहिले सच्चियावकके ठाप नै भेलासँग अपना मृत्युदण्डके पक्षमा नै रहल अध्यक्ष ओलीके तर्क छलैन। ओ बुद्ध जन्मल देशके बासिन्दा सब कोनो आवेश वा उत्तेजनामे सेहो मृत्युदण्डके पक्षमा जाए नै हेबाक धारणा रखने छलैन। बासिन्दाहरू, यहाँका नागरिकहरू कहिल्यै पनि मृत्युदण्डको पक्षमा कुनै आवेश उत्तेजनामा जानै हुँदैन भन्ने मेरो एकदम दृढ मत। अध्यक्ष ओली नेपालमा मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ता सबक बेसी मानव अधिकारके बात कर रहल कहित अहिसँ सचेत रह पर्वाक जरुरी रहल बताउने छलैन। एम्हर नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वर्तमान गठबन्धनके रावणके संज्ञा समेत लेने छ। मंगल दिन पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चासलमा आयोजित कार्यक्रमके सम्बोधन करितो वर्तमान गठबन्धनके रावणके संज्ञा देलन्। ओ 10 माथा सब एकै ठामे रावणके मात्र रहैत अछि उल्लेख करैत वर्तमान 10 गठबन्धनके रावणके रूपमे चित्रित कयलेने छ। ओ 10 गठबन्धनके 10 माथा सब एकै ठाउँमे भेलाके बाद भयंकर विध्वंस मचके सम्भावना रहल दावी कयलेने छ। ओ सत्ता गठबन्धनप्रति इङ्कित करैत एखनके रावण फेरसँ महिलाके हक अधिकार हरण करऽ लागि पड़ल आरोप लगौलनि। अध्यक्ष ओली स्थानीय तहके निर्वाचनमे महिलाके हक अधिकार सब चलाखीके साथ कपटपूर्ण ढङ्गसँ हरण कयल गेल दावी करैत राष्ट्रपति आ उपराष्ट्रपति निर्वाचनमे पुरुष आ महिला मिलौनाइ अनिवार्य हबही पड़बाक संवैधानिक व्यवस्था रहलै तो वर्तमान गठबन्धन ओकरा व्यवस्था केने कहैत बदला लेबा पड़बाक बतौलनि। निर्वाचन आयोगलाई त प्रयोग गरि नै सके, अरू संस्थाहरूलाई पनि प्रयोग गर्न सक्छ। संविधानको मर्मको व्याख्या, यो प्रश्न वास्तवमा कसले हेरिराखेको छ मलाई थाहा छैन, तर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्ने संविधानको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न हो यो, कि त्यस लेखाइको अर्थ के हो, त्यस लेखाइको मर्म के हो, त्यस लेखाइको भावना के हो। सिङ्गो हाम्रो संविधानको दिशा निर्देश के हो, तदनुसार व्याख्या गरिनुपर्ने हो, तर त्यो देखिँदैन। र 10 गठबन्धनका अध्यक्ष ओली नेकपा एमाले उपराष्ट्रपतिकै उम्मेदवारमे उठाउने उम्मेदवार पार्टीको उपाध्यक्ष अध्यक्ष ओली नेकपा एमाले उपराष्ट्रपतिकै उम्मेदवारमे उठाउने उम्मेदवार पार्टीको उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साकके जितबाक सम्भावना प्रबल रहल बताउलनि। ओ 10 गठबन्धन पुरुष राष्ट्रपति भ चुकलाके बाद महिला उपराष्ट्रपति हबी पर्वाक संविधानके मर्म उपर प्रहार केने आरोप समेत लगौलनि। अध्यक्ष ओली 10 नेता सबके मानसिकता डर लागे जकाँ रहल बताउने छलनि। ओ 10 गठबन्धनके प्रतिगामी शक्तिके संज्ञा देलनि। ओ एखनके गठबन्धन अगाडि बढ़त नै भक पाछु घुस्काबके काज भ रहल बतौलनि। गठबन्धनसँग या हाम्रो विपक्षीय शक्तिसँग चुनाव लडिराखेका छौँ। अहिले राष्ट्रिय राजनीति हामी एकातिर अरू अर्कातिर भएको छ। यसलाई हामीले नराम्रो मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन। बहुदलीय व्यवस्थामा
यो दस थरी दस तीर फर्किन भन्दा दस थरी एकै ठाउँ गएर एउटा पक्षको रूपमा एउटा ध्रुवको रूपमा अध्यक्ष ओली सामान्य रूपमे नेकपा एमालेको शक्ति कमजोर रहलैतो उपराष्ट्रपतिमे एमालेसँग उम्मेदवार शाक्य जिधी प्रभाग धारणा राख्ने छले। मधेश प्रदेशक शिक्षा विज्ञान प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्री महेश प्रसाद यादव मधेश प्रदेशके साक्षर प्रदेश बनाब सबक्यो मिलकर काम करब प्रभाग धारणा राख्ने छलन। दिन जनकपुरधाम स्थित श्री सकल भवन कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित सामुदायिक विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 9 के छात्र छात्रा सबके ज्योमेट्री बक्स सहित के स्कूल बैग शैक्षिक किट वितरण समारोह में बजट मंत्री यादव मध्य प्रदेश के शिक्षक सब पहाड़ में जाकर पढ़ाकर पहाड़ के नहीं मात्र की पूरे देशे के साक्षर बनौने रहितो मधेशे एखन पाछू पड़ल कहित अपन गृह जिला आ गृह प्रदेश 50% समेत साक्षर नहीं भेनाई दुखद बात रहल बतौलन। दिनमा नै मै त्यो दिन एउटा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो दिन मैले एउटा निर्णय गरेँ र त्यो निर्णय मधेस प्रदेश साक्षर प्रदेश बनौँ भन्ने हाम्रो निर्णय हो र अबको निर्णय त्यो मेरो मात्रै नभइकन त्यो मधेस प्रदेश सरकारको निर्णय हो साक्षर प्रदेश बनाउने र त्यो निर्णय तपाईँहरूको स्वयंको निर्णय हो भन्ने मलाई लागेको छ र त्यो निर्णय गर्नुको कारण हाम्रो यही मधेस प्रदेशबाट हाम्रा विगतका आदरणीय गुरुहरू मधेस प्रदेश के शिक्षक सब पहाड़ हिमाल सहित देश के पढ़ा रहल शिक्षित करल मुदा उहे प्रदेश के आधा से बेसी जनसंख्या शिक्षा से वंचित दुखद बात है उन्होंने कहा छन मंत्री यादव कम से कम स्थानीय तह से शुरुआत कर साक्षर प्रदेश बनेबा के अभियान चलाब आवश्यक रहल धारणा रखने छन। ओ कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण प्राध्यापक प्रधानाध्यापक सबके अपन अपन विद्यालय के व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त राख सलाह देने छन। कार्यक्रम में धनुषा जिला भर के संपूर्ण सामुदायिक विद्यालय के कक्षा 9 में अध्ययनरत विद्यार्थी सबके लिए स्कूल बैग आ जियोमेट्रिक बॉक्स उपस्थित विद्यालय के प्रधान अध्यापक सबके स्थानांतरण कैल गया छल। बक्स वितरण कार्यक्रम हो र सम्पूर्ण हाम्रा छात्र छात्राहरू गरेर 86,000 विद्यार्थीहरू कक्षा 9 अध्ययनरत छन्। 86,000 विद्यार्थीहरूलाई हामी यो झोला र किट बक्स उपलब्ध गराउँछौँ र यो गराउनुको उद्देश्य विद्यार्थीहरू पठन पाठनमा सक्रिय रहन् र शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा प्रभाव परोस् र शिक्षाको गुणस्तरमा पनि यसले प्रभाव पारोस्। अपने सब पढ़वा आए थे प्रतिष्ठा कमाओ ना प्रतिष्ठा स्कूल में अपने सब प्रतिष्ठा कमी बहुत जगह अब एक अन्यथा अपने सब नहीं मानव व्यवस्थापन समिति जे जगह नहीं है तो स्कूल की देखभाल के कर मध्य प्रदेश के पूर्ण साक्षर बनेबाक अभियान के क्रम में प्रदेश भर के 86,524 छात्र छात्रा के शैक्षिक किट प्रदान कैल जा रहा है। अभियान के क्रम में रवि दिन प्रदेश सरकार के दिशा सब तरीके सामुदायिक विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 9 के विद्यार्थी सबके शैक्षिक किट वितरण कैल गया। मध्य सरकार के उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री सुनीता यादव चूरे विनाश भरला से चूरे संग जोड़ल गेल नदी सबके अवस्था धराप में पड़ रहा धारणा रख लिया है। सिराहा के करजनहा नगरपालिका के उत्तर बाहिनी स्थित कमला कात में आयोजित नदी संरक्षण तथा अधिकार अभियान नदी नीति संवाद कार्यक्रम के संबोधन करते मंत्री यादव चूरे दोहन के कारण से जीवन के आधार जल आ जल के आधार नदीए एखन विनाश भ रहल अवस्था में पहुँचल धारणा रखने छलन। नदी हामी डेन्जरमा किन छौँ भने चुरे नाङ्गो भइराखेको अवस्था छ। त्यहाँ पहिरोबाट नदीले कटान गर्दाखेरि पुरिएर आउने बालुवाहरू हाम्रो नदीहरू पुरिराखेको अवस्था छन् र नदीहरूलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ जथाभावी तपाईँको उत्खननले गर्दाखेरि हामी एकदमै चिन्तित छौँ
अहिले जथाभावी उत्खनन गरिराखेको अवस्था छ। यसरी हामीले हेर्ने हो भने दक्षिणी क्षेत्रका जनताहरूको जीवनस्तर हेर्ने हो भने हामी सबै त्यतातिर भोगेका छौँ। मन्त्री यादव जमिन निचाके पानीके सतह दिन प्रतिदिन घटित जा रहल कहित हाते कल मात्र नै भएको कमला जेहन भरी भराउ रहला नदी सबमे समेत पानीके सतह घटित जनाए मानव जातिके लेल खतरनाक भेल बतौले। अहिले 200-300 फिटमा पनि आइराखेको अवस्था छैन, किनभने हाम्रो जमिनभित्र पानीको सतह दिन प्रतिदिन घट्दै गइराखेको छ। र यही अवस्था रहने हो भने कालान्तरमा हामी खाने पानी पनि नपाउने अवस्थामा हुन्छौँ। अहिले नै यो कमलाको पानीको सतह हेर्ने हामीले हेर्दैछौँ। हामी सानो हुँदाखेरि यो भरि भरा हुन्थ्यो कमला, अहिले यहाँको सतह पनि घटेको छ। कार्यक्रममा उपस्थित धनुषा सिराहाका विभिन्न पालिकाका प्रमुख उपप्रमुख लोकनि मधेसके जनजीवन दैनिकी धार्मिक आ सांस्कृतिक रूपसँ समेत नदी सबसँग सम्बन्धित रहल आ जोडल बात रहलासँ नदी बचौनाइ सबैके कर्तव्य आ जीवनसँ जुडल बात रहल बतौलनि। समाजमे प्राचीन कालसँ ही ये समाजका बस्ती गाउँ शहर जो बसा है वो नदी के किनारे बसा है। हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है, हमारे यहाँ छठ पूजा भी नदी के किनारे होता है, पोखरी के किनारे होता है। हम लोग उस संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उस धर्म को मान रहे हैं जो परंपरा से चली आ रही है, हम इस बात से अवगत हैं। नदी बचाव सक्रिय अभियानी आ खोज अनुसन्धानकर्ता सब उदयपुर सिराहा धनुषा महोतरी सरलाही रोथट सहितक तराईके नदी सबमे पानीके सतह घटित जनाई आ नदीके अस्तित्व संकटमे पड़ित जनाईसँ मानव जीवन संकटमे पड़ सकबाक विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत केने छले। बर्खामा पानी आउँदा बित्तिकै पानी बग्छ अनि तुरुन्तै सुक्छ। कुनै 4-5 महिना बग्ने टाइपको नदीहरू छ भने उदयपुरको त्रिजुगा र यहाँको हाम्रो कमलामाई नदी सधैँभरि पानी बगिरहने नदीको रूपमा मानिन्छ। तर के रहेछ त भन्दा यो नदीहरूमा पनि विगत 10-15 वर्षदेखि पानीको बहाव पनि घटिराखेको र हामी यसमा चाहिँ केले असर गरेको छ त भन्दा यो क्लाइमेट चेन्जको असरले गर्दाखेरि एकातिर विकसित देशहरूलाई भन्दा अविकसित देश अन्तर्राष्ट्रिय नदी दिवस मनाउन गइरहेछौँ। म आफैमा एकदमै गर्वान्वित महसुस गरिरहेको छु कि यो ठाउँमा चाहिँ आज कर्जनहाको नगरपालिकाको उत्तरायणी घाटमा हामी सबै अभियन्ताहरू चाहिँ आज आउने मौका र संस्कृति संरक्षण जलसँग सांस्कृतिक जुडेको हो, जलसँग मानव सभ्यता जुडेको हो। कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री तथा माओवादी केन्द्र मधेस प्रदेशक इन्चार्ज गणेश शाह कमला बचाओ अभियानके विक्रम यादव विनोद महरा मित्र राष्ट्र भारतके कमला बचाओ अभियानके अभियानी लोकनि तथा जल संरक्षणके अभियानी लोकनि धनुषा गणेश मान चारनाथ नगरपालिकाक प्रमुख जीत नारायण यादव कमला नगरपालिकाक मेयर विश्वेश्वर यादव सहित सिराहाके करजनहा कल्याणपुर सहितक पालिकाके प्रमुख आ उपप्रमुख सबके सक्रिय सहभागिता छलनि। मुक्त हरबा चरबा सबके न्यायिक पुनर्स्थापनाके सवाल विषयक प्रदेश स्तरीय गोलमेज छलफल सम्पन्न भेल अछि। राष्ट्रीय दलित नेटवर्क नेपाल आ सामुदायिक सुधार केन्द्र धनुषा मंगलदिन जनकपुरधाममे आयोजना कयने गोलमेज छलफलमे वक्ता लोकनि हरबा चरबाके पुनर्स्थापना करब प्रभाग सरकारसँग माग कयने छलनि। कार्यक्रममे सहभागी वक्ता लोकनि हरबा चरबाके पुनर्स्थापनाके एकीकृत प्याकेज सहितके हुनका सबके मुक्तिके प्रभावकारी कार्यान्वयन कर न्यायिक पुनर्स्थापनाके काजके प्रभावकारी ढङ्गसँ अगाडि बढाउनै आजुक ऐतिहासिक डेग होब चाहिँ आवश्यकता रहल बतौलनि। कार्यक्रममा बजैत राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालके अध्यक्ष गणेश विश्वकर्मा मध्य प्रदेशके 8 जिल्लामे ज्यालामे काम करबला कराबला चलन बेसी रहल समेत संविधान आ कानूनसँ निषेध कयल गेल हरबा चरबा प्रथा एखनो अस्तित्वमे रहल बतबैत विशेषतः ऋण आ छोट टुकड़ाके जमीनके लेल ओसब हरबा चरबा बैसकके प्रचलन रहल जिकिर कयने छलनि। राष्ट्रीयता धर्म संस्कृति आ नागरिक बचाओ अभियानके संयोजक दुर्गा प्रसाई अपन अभियानके युवा दस्ता काला मसी दस्ताक संयोजकके पकड़िकऽ सरकार संविधान प्रदत्त अधिकार उपर हनन केने बतौलनि अछि। मंगलदिन काठमाडौँमे पत्रकार सम्मेलन करैत अभियानके संयोजक प्रसाई सरकार अपन अभियानके युवा दस्ता काला मसी दस्ताक संयोजक शम्भु थापाके पकड़िकऽ सरकार अराजकता देखाउने बतौलनि। यद्यपि संयोजक थापा पकड़ायलसँ छुटि चुकल अछि, ओ आओर राजनीतिक दलके युवा संगठन सब भेल जेहन अपनासभक युवा संगठनके रूपमे काला मसी दस्ता बनौलोपर दस्ता
एखन धरि ककरो काला मसीन नहीं लगौला पर सरकार पकड़ के आदमी के संविधान प्रदत्त अधिकार ऊपर हनन केने बतौलन। वो बैंक वित्तीय संस्था लघु वित्त सहकारी के जोरदार ब्याज के विरुद्ध अपना सब आवाज उठा रहल आ आंदोलन कर रहल स्पष्ट कलन। यो एक करोड़ युवा तो बाहर बस्नु पर्ने बाध्यता र दुई करोड़ नेपाली आज डिप्रेशन को शिकार प्रेशर सुगर डिप्रेशन को शिकार अपना सब सर्वहारा वर्ग के विरुद्ध में आंदोलन में उतरल स्पष्ट कलने छ। ओ अपना ऋण नै तिर परत कहिक नै केने कहित जोरदार ब्याज दर के ऋण तिर सकवला सब के तिर सेहो आग्रह कलन। तिर नै सकवला सब के लेल सरकार ऋण मिन्हा क देब परत अपना सब के माग रहल हुना कहब छलन। प्रसाय बैंक तथा लघु वित्त विरुद्ध के अपना सबक आंदोलन जारी रहबाक समेत बतौलन। पूर्व मंत्री बद्री नेपाने विशेष अदालत के फैसला पूर्वाग्रही रहल आरोप लगौलने। मंगल दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन का पूर्व मंत्री नेपाने एहन धारणा रखलने। रिकुटी मंडप फन पार्क के जग्गा भाड़ा में देला से भ्रष्टाचार के अभियोग में विशेष अदालत से 9 वर्ष 6 महीना के कैद सजाए सुनौने पूर्व मंत्री नेपाने अपन राजनीति खत्म कर बाहरी आ भीतर शक्ति मिलकर पूर्वाग्रही फैसला कने बतौलने। वो अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग पूर्वाग्रह के साथ मुद्दा लगौने कारण एकटा आदमी के 3 सजाए संगे बिगो 20 करोड़ जरिमाना 9 वर्ष 6 महीना कैद सहित पूर्वाग्रही ढंग से विशेष अदालत निर्णय केने बतौलन। ओ समाज कल्याण परिषद कार्य समिति से निर्णय कर जग्गा भाड़ा में लगौलो पर अपना फुल बोर्ड के विचार रखने आ मंत्री परिषद समेत प्रस्ताव लगल दावी कलन। पूर्व मंत्री नेपाने भाड़ा में लगेबाक निर्णय करबाक प्रक्रिया में सहभागी 5 गोटे उप सचिव के सफाई देने मुदा अपना के 9 वर्ष 6 महीना कैद के फैसला करबाक पूर्ण रूप में पूर्वाग्रही काज भेल जिकिर केने छलन। न्याय दिन्छ भन्ने लागेको थियो, विशेष अदालतले मलाई न्याय दिन्छ भनेर मलाई थुन्छेक बसमा साधारण तारिकमा 1-2 लाख रुपियाँ पैसा धरौटीमा सिम्पलमा चाहिँ यो चित यहाँनिर भयो। पूर्व मन्त्री नेपाने कार्य समिति सहितक निर्णय सब भाडामा लगौलो पर परिषद के नोक्सानी अपना के फाइदा होब सकबाक अवस्था कतस रहल विशेष अदालत पुष्टि कर नै सकबाक बतौलन। नेपाली कांग्रेसक महामंत्री गगन कुमार थापा पार्टी भीतर से बीपी कोराला ऊपर अन्याय भ रहल टिप्पणी कलने। आय के समस्या समाधान कर से बीपी कोराला कहिक देने होब सकबाक अवस्था पार्टी भीतर रहबाक बीपी ऊपर कांग्रेस अन्याय करबाक काज कर रहल हुनक तर्क छलन। नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस मंगल दिन से काठमांडू में शुरू भेल नीति अधिवेशन में महामंत्री थापा नेपाल में सृजना भेल रोजगारी में नेपाली सब काज नै पेबाक चुनौती आबि रहल आ अइ के समाधान बीपी कोराला के कथन के खोज क कर नै सकबाक स्पष्ट कलन। ओ अपन भाग के समस्या समाधान अपना सब अपने कैल जबाक चाही कहित अइ में लागल सेहो ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पदाधिकारी सब के सचेत करौने छलन। सानो एउटा घर खोल्ने मान्छेलाई गएर हामी कुराकानी गर्न गयो भने के कति कारणले गर्दा होला त्यो गार्मेन्ट चलाउने मान्छेले चाहिँ उसले पनि एकदम नियतवश म नेपालीलाई कामै दिन्न भने त होइन होला तर के कति कारणले गर्दाखेरि ऊ नेपाली कामदार काम राखिरहेको छैन। आजको च्यालेन्ज यस्तो आएको छ अनि यो च्यालेन्जको बेलामा पनि हामीले पुरानो बीपी कोरालालाई यसको बारेमा महामन्त्री थापा बीपी कोराला कङ्ग्रेसको लेल मूल विचारधाराको स्रोत भेलो पर आइके चुनौती अपना सब अपनै समाधान कके आगा बढ पड़बाक रहल बताउने छलन। नेपाली कङ्ग्रेसक महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्मा एकैटा आदमी दोहराको राष्ट्रपति बन्न नै पेबाक व्यवस्था कयल जेबाक चाही बतौलने। राजनीति में आदमी सबके आकर्षित करबाक लेल सेहो एक बेर राष्ट्रपति 2 बेर धरि प्रधानमंत्री 3 बेर धरि मंत्री या 4 बेर धरि सांसद हेबाक व्यवस्था करब उपयुक्त हेबाक हुनक कहब छलन। नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के मंगल दिन से काठमांडू में शुरू भेल नीति सम्मेलन में महामंत्री शर्मा राष्ट्रपति पद में कईटा आदमी दोहरा के शपथ ग्रहण कर नहीं पेबाक व्यवस्था कयने रहित तो एखन धरि देश के 5म राष्ट्रपति पाबि चुकल हेबाक स्मरण समेत करौने छलन। ओ सांसद मंत्री भ चुकल सब मुलुक के आर्थिक रूपांतरण के काज में योगदान देब सकबाक व्यवस्था नीतिगत रूप में भेल त ई और निक हेबाक धारणा रखने छलन। राजनीतिक रूपांतरण भन्दा आकर्षक मान्छेलाई कति गएर हुन्छ नि एउटा मान्छे एकपटक राष्ट्रपति बनोस् कोही बन्न चाहन्छ जतिसुकै योग्यता 2 पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्नुहोस् 3 पटकमा सम्पूर्ण योग्यता मन्त्री हुँदै गर्दा देखाओस् 4 पटकसम्म सांसद बनोस् 5 पटकमा उसको लागि महामन्त्री शर्मा भ्यू टावर बनेबाक बाद एकै बेर बहुत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेबाक बाद देश के लेल आर्थिक बोझ के विषय भेल कहित असन्तुष्टि व्यक्त कलन। ओ देश के प्रतिफल देव सकबला आयोजना सबक छनौट कई के आगा बढ़ेबाक उद्देश्य से नीतिगत व्यवस्था कर जरूरी रहल बतौने छलन। महामंत्री शर्मा राजनीतिक जनता के आर्थिक रूपांतरण में योगदान देबाक बात में केन्द्रित होब पड़बाक स्पष्ट कने छलन। लघुवित्त आ मीटर ब्याजी पीड़ित सब काठमांडू में आंदोलन कलक। मंगल दिन लघुवित्त
वित्तीय संस्था सबके विरुद्ध में माइतीघर मंडला में इकट्ठा भक पीड़ित सब विरोध प्रदर्शन कलक। विभिन्न जिला से काठमांडू पहुँचल सब संयुक्त विरोध प्रदर्शन कलक है। वो सब 55 से बहुत जिला के लघुविद आ मीटर ब्याजी पीड़ित सब इकट्ठा भक संयुक्त आंदोलन के दावी कलक है। वो सब लघुविद आ मीटर ब्याजी सब ऋण मिन्हा कर प्रभाग किसान सबके बिना धितो ऋण प्रदान कर प्रभाग सहितक मांग सब आगू घुसकौने आय। देशभर के उद्योगी व्यवसायी सब नेपाल राष्ट्र बैंक घेराव कलक है। मंगल दिन किछ समय सचरणबद्ध सड़क आंदोलन करते आयल देशभर के उद्योगी व्यवसायी सब बालवाटार स्थित नेपाल राष्ट्र बैंक आगा आंदोलन कलक है। उद्योगी व्यवसायी सब अर्थतंत्र संकटपूर्ण अवस्था में रहल अवस्था में बैंक सब व्यवसायी ऊपर जोरदार ब्याज लेने कर्जा में बड़का परिणाम में प्रीमियर चार्ज लगौने आ कर्जा भुगतानी के समय समेत नहीं देने कहित बैंक विरुद्ध सड़क संघर्ष में उतरल। देशभर के उद्योगी व्यवसायी सब राष्ट्र बैंक आगा पहुँच कर व्यवसायी सबक पीड़ा महसूस कराब ध्यान आकर्षण समेत करौलक। विरोध कार्यक्रम में सहभागी उद्योग वाणिज्य महासंघ के उपाध्यक्ष अंजन श्रेष्ठ व्यवसायी सब अपन पीड़ा व्यक्त करबाक लेल राष्ट्र बैंक आयल बतौलन। ओ अर्थतंत्र में आयल समस्या के कारण उद्योग के उत्पादन कमी रोजगारी कटौती आ बाजार के मांग में कमी भेल अवस्था में समेत बैंक दोसर ब्याज दर लेने बतौलन। छिट्टै प्रधानमन्त्रीज्यूले यो कुरा बुझेर उहाँले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएर यो ब्याज दर यथाढङ्गमा ल्याउनको लागि सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने त हामी आशा राख्छौँ। तर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ बैङ्कके जोरदार ब्याज दर सरकार नै घटाब धरि व्यवसायी सबक आन्दोलन निरन्तर चलैत रहबाक धारणा रखलनि। तेना नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घक संस्थापक अध्यक्ष नरेश कटवाल बारम्बार व्यवसायी सब बैंक विरुद्ध सड़क आंदोलन केला पर समेत नेपाल सरकार आ सम्बन्धित निकाय सब समस्या समाधान कर गंभीर नहीं देखल गेल आरोप लगौने छलैन। डोटी में जीप दुर्घटना भेला से चार गोटे घायल भेल। डोटी के दीपायल सिलगढ़ी नगरपालिका 6 सिलगढ़ी स्थित अदालत मोड़ में मंगल दिन जीप दुर्घटना भेला पर चार गोटे यात्रु घायल भेल। जिला प्रहरी कार्यालय डोटी के प्रहरी निरीक्षक देवेंद्र राज जोशी के अनुसार सिलगढ़ी से दीपायल जा रहल सु प्र 01001 12 59 नंबर के फोर्स जीप आ सु प्र 01010 47 74 नंबर के मोटरसाइकिल एक दोसर में ठोकरा कर दुर्घटना भेल छल। नेपाल में प्रतिबंधित भारतीय रुपया 3,35,000 सहित दू गोटे अमेरिकी नागरिक पकड़ायल है। ओकरा सबके सोम दिन बेरिया पुलिस पकड़लक है। पकड़ायल में अमेरिकी नागरिक 69 वर्षक थुपतेन ग्लेक लहासवा आ 59 वर्षक कालसांग छोदन रहल बताल गेल छ। विस्तारा एयर के उड़ान द्वारा काठमांडू से दिल्ली प्रस्थान करे लागल ओकरा सबके त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय उड़ान दिस के प्रस्थान होल्ड बैगेज चेकिंग एरिया एक्सरे मशीन में जांच करवा क्रम में भारतीय रुपया भेटला बाद पकड़ाव कैल गेल छ। ओहि संबंध में आर अनुसंधान कर रहल पुलिस जनौलक छ। नेपाली बाजार में आई सोना के मोल बढ़ल छ। सुन चांदी व्यवसाय महासंघ के अनुसार छापा वाला सोन प्रति तोला 1,05,700 रुपया में कारोबार भेल है। तेजाबी सोन प्रति तोला 1,05,200 रुपया में कारोबार भेल है। तेना चानी 1,300 रुपया में कारोबार भेल महासंघ जनौलक है। अपन न्यूज एखन के लिए लेतव्या पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।